नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पॉटरो हिंदी। दोस्तों आज हम हैं पश्चिम बंगाल की पूर्व वर्धमान जिले की वर्धमान टाउन आलू व्यापारी संघ की ऑफिस पे। दोस्तों हालांकि यहां पे आलू की वर्तमान स्थितिया को लेके यहां की व्यापारीगण बैठे थे एक बैठक में। बैठक के अंत पे हमारी साथ बात हुई पूर्व वर्धमान जिले की जाने माने आलू व्यापारी तथा पश्चिम बंगाल राज्य आलू बीज व्यवसायी समिति की वर्किंग प्रेसिडेंट देवेश घोष जी से। सारी की सारी पूर्व वर्धमान जिले पे आज आलू का क्या भाव है, आलू की खेती वाली का क्या हालचाल है और साथ ही कोल्सुर वाला आलू संपर्कित सारी की सारी जानकारी हमें दिया देवेश जी ने। आइए देख लेते हैं क्या कहना है उनका। दोस्तों बंगाल की पूर्व वर्धमान जिले की आलू संपर्कित इस जानकारी को शेयर कीजिए सारी की सारी व्हाट्सएप ग्रुपों में। आलू संपर्कित जानकारी हर दिन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देवेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप ट्रेडर हो? हम ट्रेडर हूँ। सर जी आज बंगाल की वर्धमान जिले पे नया पुखराज आलू का क्या भाव है? अच्छा, पहले एक बात है, आप इंडिया पोटेटो जो आप आए हैं, आपको जो रिप्रेजेंटेटिव आप किया है आज, जो इसको पहले हमारा पश्चिम बंगो वेस्ट बंगाल सीड एसोसिएशन के तरफ से आपको बहुत बहुत सम्मान बधाई पहले। बाकी आप बोलिए क्या क्या क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, सर जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आज पूर्व वर्धमान जिले में नया पुखराज आलू का क्या भाव है? आज क्या लोडिंग होता है 500 रुपया क्विंटल लोडिंग होता है, आज का टू डेट का रेट है पुखराज आलू का। अच्छा, और पुरानी कोल्ड वाली आलू का आज क्या भाव है आपकी जिले में? हमारे जिले पे पुराना कोल्ड का आलू है 350 से 400 रुपया, लेकिन आलू का क्वालिटी ठीक नहीं है। पर पैकेट। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी वर्धमान जिले पे टोटल कितना कोल्ड स्टोर है? हमारा वर्धमान जिले पे टोटल 99 कोल्ड स्टोर है, 99। अच्छा, ये सारी की सारी रनिंग स्टोर है? नहीं, सारी के सारी रनिंग स्टोर है नहीं, आपको हम रिपोर्टिंग दे देते हैं। प्लीज हमारा इस साल 2023 में, 2022 में हमारा कोल्ड का कैपेसिटी था 3,10,94,000 वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का जी। लेकिन लोडिंग हुआ है 12 करोड़। ये सारे जिले की हम पहले बंगाल का बोल रहे थे। जी जी, हमारा बंगाल में लोडिंग हुआ है 12,65,73,106 बैग, ये बंगाल का जी। नॉर्थ एंड साउथ लेके जी, आपके जिले पे कितना लोड हुआ था पिछले साल 2022 में? 2022 में हमारा लोडिंग हुआ है कोल्ड का कैपेसिटी है 3,10,94,000 और टोटल लोडिंग हुआ है वर्धमान जिले पे 2,33,96,561 बैग। अच्छा, अभी क्या आपके जिले पे आलू है या सारी आलू निकासी हो चुके हैं? लगभग मान के चलिए 1% होगा, लगभग अप्रोक्स। आपके जिले में एक पैकेट में कितना बैग आलू रखे जाते हैं? कितना प्रोडक्शन जो होता है सीड का? हमारा जिले पे लोडिंग होता है 50 किलो मिनिमम। और पूर्व वर्धमान जिले पे कितने बीघा में एक एकड़ होती है? एक्चुअली जो हिसाब है 100 शतक में एक एकड़, हमारा वर्धमान जिले पे 40 शतक में बीघा होता है, ढाई बीघा में एक एकड़ होता है। कौन कौन सी वैरायटी आलू आपकी वर्धमान जिले पे खेती होती है? हमारा वर्धमान जिले पे होता है पोखराज, हमारा वर्धमान जिले में ज्योति होता है, हमारा वर्धमान जिले में चंद्रमुखी होता है, हिमांगिनी होता है, थोड़ा कोलोमा भी प्रोडक्शन होता है 2-1 साल। क्या इस साल आपके जिले पे पिछले साल की ओर से अधिक फलन होने की चांसेस है? जरूर। क्या ज्यादा हुई है पिछले साल? हाँ, पहले जो है पिछले साल से इस साल 5-6%
प्रोडक्शन ज़्यादा होने का संभावना है, क्योंकि सीड का भाव कम था और मौसम सबसे बढ़िया मौसम था, 15 से 18 डिग्री मौसम था। जो आलू हो गया वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। आपकी जिले की आलू यानी पूर्व वर्धमान जिले की कोल्ड वाला आलू सीजन पे कौन कौन से क्षेत्र या राज्यों पे आप बेचते हैं? हमारा इधर का जो है वर्धमान का है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का है, ज़्यादा आलू चला जाता है झारखंड जाता है, बिहार जाता है, थोड़ा आलू जाता है आपको उड़ीसा, थोड़ा आलू जाता है। और जो जमालपुर वाला जो मुकाम है हमारा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का, वो डाला वाला मुकाम है। आठपाड़ा वाला जो है डाला वाला मुकाम है, कलकत्ता जाता है वो सारे के सारे आलू, कलकत्ता जाते हैं सारे के सारे डाला का मुकाम, वो अलग डिफरेंस है। और हमारा वर्धमान सदर का ये इधर का जो कानला वाला इधर का जो बेल्ट है, ये सारे के सारे चला जाता है, 99% चला जाता है झारखंड एंड बिहार। अभी हालांकि दिनों आपके वर्धमान जिले पे जिस जिस क्षेत्रों पे नया आलू उभरा है वो कहाँ कहाँ बेच रहे हैं वो लोग नया? अभी जो नया आलू उठते हैं उसको ज़्यादा जाते हैं आपको झारखंड जाता है, बिहार जाता है, थोड़ा आलू जाता है कांसलापाड़ा कलकत्ता आसपास में, वो 10% जाता है। अच्छा, सारी बंगाल में क्या देवेश जी इस साल खेती थोड़ी बड़ी है, ये क्या लगता है आपको? 2-5% खेती ज़्यादा हुआ है बंगाल पे। हाँ, लेकिन सबसे जो प्रोडक्शन होने का संभावना ज़्यादा है ये जो मौसम है अभी, ये इतना क्लाइमेट हम देखा नहीं, जब मौसम बहुत बढ़िया है इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगा, आलू रखने को नहीं है जाएगा मिलेगा नहीं इस साल 2023 में। सर जी आप तो आलू बेच के भी कारोबार करते हो, हाँ। पिछले 2022 साल में हाँ। आपकी बंगाल पे आलू बीज व्यापारियों को कितना नुकसान हुई ये बीज को लेकर जरा? हमारा जो हिसाब है, हम भी 100 गाड़ी का सीट का काम करते हैं, हमारा जो खुद नुकसान हुआ वो भी हम देखा है, लगभग बंगाल में मोर देन सीड में 2,500 से 3,000 करोड़ रुपया रनिंग लॉस चला गया ऑलरेडी, पैसा 2,500 से 3,000 करोड़ सिर्फ बीज में चला गया, सीड में पंजाब सीड में चला गया में। हाँ, मान के चलिए 3,000 रुपया सीड था, वो इधर में बिकाए 2,000, लास्ट में भाड़ा भी मिला नहीं, मतलब रेंट भी मिला नहीं। और आलू के नुकसान नहीं होगा तो 2,000 करोड़ तो होगा ही, 2,000 करोड़ के आसपास होगा। तो फाइनली क्या पंजाब बीज कंपनियों के साथ आपकी यानी बंगाल पोटैटो सीड ट्रेडर्स एसोसिएशन की कुछ डीलिंग हुई? हाँ, हमारा जो डीलिंग हुई हम गए थे, पहले मीटिंग हुआ है तो हम बोला है जी देखिए रेट रिड्यूशन करना पड़ेगा, तो वो बोला रेट रिड्यूशन को बाद में होगा, पहले आलू उठा लीजिए मतलब पेमेंट कर दीजिए। 2023 में 22 फरवरी जलंधर में डॉल्फिन होटल में मीटिंग होगा, हमारा राज्य कमेटी का स्टेट कमेटी का जाएंगे मीटिंग होगा उधर, उनके साथ आलू का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आलू का कुछ रेट पेमेंट दिया नहीं, सारे के सारे जो होगा उसके साथ चर्चा होगा। आपको क्या लगता है कि कुछ हाल निकलने वाला है कि नहीं? हाँ, जरूर हाल निकालेंगे, नहीं तो हम तो आंदोलन में जाएंगे, नहीं हाल नहीं निकलेंगे तो हम आंदोलन में जाएंगे। अच्छा, आपकी जिले में कब से स्टोर लोडिंग शुरू होगी सर? हमारा जो डिसाइड हुआ है मिनिमम मार्च फर्स्ट वीक तक, 1 तारीख से। हाँ। अच्छा, सच्ची ऑल ओवर इंडिया की सभी किसान भाइयों को आपकी ओर से क्या संदेश रहेगी? जो किसान लोग हैं वो तो क्या करेगा बेचारा, प्रोडक्शन जो हो गया वो तो अभी तो मरे पड़े हैं, जो है ना पिछले साल उनका चांसेस था, जो आलू बिका है उनको चांसेस मिल गया, जो आलू रखा है वो तो मर गया 2023 में। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया पोर्ट्रो हिंदी की ओर से आपको ये प्रतिवेदन देने के लिए।